नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा SBI होम लोन्स के बारे में। जैसा कि आज आपको पता है कि मार्केट में सबसे सस्ता लोन SBI ही प्रोवाइड करता है और आज की रेट में जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.70 से स्टार्ट होती है। हम इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का अपना एक घर हो। हर परिवार यह सपना संजो के रखता है कि एक दिन तो हमारा घर बनेगा ही। तो SBI होम लोन आपके उस सपने को साकार करता है और साथ में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर जो सब्सिडी मिलती है 2,67,000 की, वो भी आपको मिलती है। अब एक एक करके मैं बात करता हूँ। जब SBI आपको होम लोन देती है तो उसका पर्पज़ क्या क्या हो सकता है। आप घर खरीदने के लिए ले सकते हो होम लोन, अगर आपके पास खुद के पास एक प्लॉट है तो उस पर कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हो। अपना एग्जिस्टिंग होम लोन कहीं और चल रहा है तो उसको टेक ओवर करवा सकते हो SBI में, या फिर आप रीइंबर्समेंट करवा सकते हो अगर आपने कुछ भी परचेज या कंस्ट्रक्शन किया है पिछले 12 महीने में। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है होम लोन लेने तक की वो 70 ईयर्स है, मतलब आप 70 साल तक की उम्र में होम लोन ले सकते हैं। आप अपने होम लोन की जो एप्लीकेशन है उसमें कोबोरर्स ज्वाइन करवा सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 कोबोरर्स जोड़ सकते हैं। जनरली आप कोबोरर्स तब जोड़ते हैं तब आपकी खुद की इनकम से आपका होम लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी कम बन रही हो, ताकि आप क्या करते हैं कोबोरर्स जोड़ते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी लोन अमाउंट बढ़ जाता है। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने पहले कहा था, SBI से ज़्यादा सस्ता कोई नहीं दे सकता है, 6.7% पे मिलता है आपको, बहुत अच्छा। अब जो मैक्सिमम लोन अमाउंट बैंक कैसे कैलकुलेट करता है, वो 3 चीज़ों पे कैलकुलेशन होते हैं। पहला तो EMI NMI रेशियो, दूसरा LTV लोन टू वैल्यू रेशियो, और तीसरा लोन जो आपने अप्लाई किया हुआ है। अब मैं जैसे एक एक करके बात करूँ EMI/NMI रेशियो की, तो जनरली 50% तक आप मान के चलिए, क्योंकि मिडिल क्लास की फैमिली का 50% तक रहता है। मान के चलिए अगर आपकी सैलरी पर मंथ 50,000 आपको मिलते हैं तो आप जो बैंक जो मान के चलता है कि आप मैक्सिमम 25,000 की EMI पेमेंट कर सकते हैं, तो 25,000 की EMI पे जितना आपका लोन अमाउंट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा चाहते हैं तो अपने एप्लीकेशन में किसी को कोबोरर ऐड कर लीजिए, ताकि उसकी जो इनकम है वो भी क्लब हो जाए और आपका लोन अमाउंट बढ़ जाए। अब लोन टू वैल्यू की बात करते हैं। मान के चलिए अगर आप 1 करोड़ में कोई घर खरीद रहे हैं तो बैंक उस पर मैक्सिमम 80,00,000 तक का लोन आपको देगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए अगर आपने लोन अमाउंट 40,00,000 के लिए अप्लाई किया है, LTV रेशियो अगर 80% है, तो जो मैक्सिमम जो आपके घर की कीमत, जो मिनिमम जो घर की कीमत होनी चाहिए वो 50,00,000 होनी चाहिए। अब अगर हम रीपेमेंट की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर हो सकता है वो 30 साल का हो सकता है, मतलब इससे ज़्यादा टेन्योर आपको किसी भी लोन में नहीं मिलता। होम लोन का चूंकि अमाउंट बड़ा होता है इसलिए टेन्योर बड़ा होता है। और जो दूसरी कंडीशन होती है कि तब आप 70 साल की उम्र अटेंड कर लेंगे, उसके पहले आपका लोन रीपेमेंट हो जाना चाहिए। मॉरेटोरियम पीरियड एक्चुअली वो पीरियड होता है जब बैंक आपको टाइम देती है कि आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा लो। मॉरेटोरियम पीरियड आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है तो ही मिलता है। मैक्सिमम 18 महीने का हो सकता है और मैक्सिमम जो कि फ्लोर्स के ऊपर डिपेंड होता है। अब बात करते हैं कि आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है होम लोन EMI पर, ब्याज पे और प्रिंसिपल जो आप पेमेंट करते हो सेक्शन 80C और सेक्शन 24 के तहत, आप उसका लाभ ले सकते हो। जनरली होम लोन में प्रोसेसिंग फीस 0 होती है, लेकिन फिर भी आप एक बार कंसल्ट जरूर कर लें कि प्रोसेसिंग फीस पे ऑफर चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस मैंने कहा जनरली 0 होती है, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमेशा ही 0 रहेगी। एक बार फिर भी आप इसके बारे में कंसल्ट करें। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका 1 साल का अकाउंट स्टेटमेंट, 6 महीने की सैलरी स्लिप, TIR सर्च रिपोर्ट जो कि वकील आपको देगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट जो कि बैंक का वैल्यूअर आपको बना के देगा, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट। अब बात करते हैं अदर चार्जेस की, जैसे प्रोसेसिंग फीस के अलावा भी और क्या क्या चार्जेस लगते हैं आपके होम लोन पर। स्टाम्प ड्यूटी, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है वो आपको देनी है, जो कि लोन अमाउंट पर डिपेंड करती है। वैल्यूएशन रिपोर्ट की जो भी फीस आएगी वो आपको देनी है।
वकील की सर्च रिपोर्ट, TIR रिपोर्ट, टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की जो भी फीस आएगी वो भी आपको देनी है। सरसरी चार्ज मिनिमम होते हैं 50 या 100 रुपये, वो आपको पेमेंट करने होते हैं। प्री क्लोजर पेनल्टी 0 होती है होम लोन में, यानी कि आपको किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं देनी होती अगर आप होम लोन बंद करा देते हैं। अब रही बात डिसबर्समेंट ऑफ लोन, तो देखिए अगर आपने अपने मकान खरीदा है किसी से, फ्लैट खरीदा है, तो डायरेक्टली जिससे खरीदा है उसके अकाउंट में पैसा बैंक भेजेगा, आपको नहीं देगा। अगर आप पेमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा आपको पेमेंट मिल जाएगा। हाँ, अगर आप रीइंबर्समेंट करा रहे हैं कि पिछले 12 महीने में आपने कुछ खरीदा है तो उस केस में बैंक आपको पेमेंट करेगा। आप पेमेंट ECS के माध्यम से भी कर सकते हो, SI स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छा है बैंक में अप्लाई करने के लिए, आप बैंक में की ब्रांच में SBI की जो भी आपकी नज़दीकी ब्रांच है जहाँ आपका अकाउंट है आप वहाँ जाकर अपना लोन अप्लाई करें। दूसरा, आप योनो ऐप के माध्यम से भी होम लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SBI के कस्टमर हैं, आपने योनो ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, तो लोन सेक्शन में जाकर अप्लाई होम लोन पर क्लिक करें, तो उसकी ट्रैकिंग आपको हमेशा रहेगी कि आपके लोन में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप भी टीम मुरारी का हिस्सा बनिए, जो नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप उस पर मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको कुछ ना कुछ पैसिव इनकम कमाने के जरिए बताता रहूँगा जिससे आपकी इनकम होती रहेगी। और प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।